हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। स्टैटिक जीके का जो एक पार्ट होता है उसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछता है कि किस वैज्ञानिक ने किस चीज़ का खोज किया। तो इससे रिलेटेड हम लोग 30+ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ भौतिक विज्ञान से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण खोज हैं और उनके खोजकर्ता हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और थोड़ा इसे जल्दी ही सॉल्व करेंगे। परमाणु की खोज किसने की थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, नील्स बोर या फिर फैराडे ने। तो आपको बताते चलिए, जॉन डाल्टन फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही है। इन्होंने 1808 में इसकी खोज की थी। एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसका जिसे बोला जाता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। और इसके अनुसार परमाणु को अविभाज्य माना इन्होंने और परमाणु को ही पदार्थ का मूल कण माना। तो ये परमाणु की खोज किसने की थी? तो जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट है, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? माइकल फैराडे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, चैडविक, मैडम क्यूरी। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड बी ऑप्शन, यहाँ सेकंड ऑप्शन सही है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इन्होंने यह साबित किया कि हाइड्रोजन का परमाणु यानी कि एक प्रोटॉन का नाभिक अन्य सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद रहता है। और ये कैसा आवेश का होता है? तो धनात्मक आवेश का होता है। हम लोग इसको पी से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन। तो ये है इनकी खोज, अर्नेस्ट रदरफोर्ड की। रडार के आविष्कारक थे, रडार के आविष्कारक में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि रडार का आविष्कार कई चरणों में हुआ था। जो सबसे अच्छा और अभी हम लोग को देखने को मिलता है वो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पहली बार व्यवहारिक जो रडार प्रणाली विकसित किया था, स्कॉटलैंड के रॉबर्ट वॉट वॉटसन ने किया था। डी ऑप्शन सही है। आप लोग इसके अलावा और नाम सुने होंगे, टेलर एंड यंग, दूसरे नंबर पर हेनरिक हर्ज और क्रिश्चियन ह्यूल्समेयर, इन लोगों के नाम भी सुने होंगे, रडार के आविष्कारक थे। लेकिन अभी जो हम लोग को आधुनिक ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाला रडार का देखने को मिलता है वो रॉबर्ट वॉट वॉटसन ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसके नाम पे दिया जाता है? क्वेश्चन आता है तो ये दिया था अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर, यहाँ पर दिया हुआ है। तो अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ की खोज की थी? तो आपको बताते चले, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ये 25 नवंबर 1867 में इन्होंने खोज किया था डायनामाइट का। और ये अपनी खोज से इतना दुखी हो गए थे तो इन्होंने क्या किया कि जब 1895 में एक वसीयतनामा तैयार करवाया और उसमें इन्होंने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति, इस तरीके से इन क्षेत्रों में पुरस्कारों की एक श्रृंखला शुरू की जिसे नोबेल पुरस्कार के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये नोबेल पुरस्कार इन्हीं के नाम पर रखा गया, अल्फ्रेड नोबेल, डायनामाइट की इन्होंने खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तड़ित चालक के आविष्कारक हैं। तड़ित चालक आप लोग जानते ही होंगे, जब बिजली गिरता है मकान पर तो क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसको बचाने के लिए एक लोहे का रॉड लगता है, लोहे या फिर मतलब जो भी धातु होती है जैसे तांबे का से, तो इस तरीके का एक छड़ लगाया जाता है जिसका सिरा नुकीला होता है ऊँचे मकानों में बिजली से बचने के लिए। तो ये किसने किया था खोज? तो ये किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे वो तड़ित चालक का खोज करने वाले थे। इन्होंने कब खोज किया था? तो ये है 1749 में इसकी खोज की थी, पेंसिल्वेनिया में। पेंसिल्वेनिया एक जगह है, वहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा इसका खोज किया जाता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था या टेलीविज़न का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो लॉरेल्स हैं, जेल बेर्ड है, आर ए मिल्कन है या लुई ब्रेल हैं। इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? तो ये हैं जे एल बेर्ड, इनका पूरा नाम है जॉन लॉगी बेर्ड। इन्होंने ही कलर जो टीवी का है उसका भी आविष्कार इन्होंने ही किया था। कलर टीवी का आविष्कार किया था 1928 में, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, 1928 में कलर टीवी का भी आविष्कार इन्हीं ने, जॉन लॉगी बेर्ड जिनका पूरा नाम है जेल बेर्ड, इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? इसमें से हॉपकिंस है, रॉन्जन है, मार्कोनी, मोर्स। तो रॉन्जन ये सही हैं। इनका पूरा नाम अगर जो हम लोग जाने, विल्हेम रॉन्जन बोलते हैं। इन्होंने 1895 में खोज की थी लेकिन इसके लिए 1901 मतलब पहला जो नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी में, तो एक्सरे के लिए इनको मिला था। मतलब नोबेल पुरस्कार का जो वितरण शुरू हुआ था 1901 से ही शुरू हुआ था और इन्होंने एक्सरे के आविष्कार के कारण पहला इनको नोबेल मिला था। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन, जेम्स वॉट, रदरफोर्ड या फिर गैलीलियो? तो आपको बताते चलें, टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो गैलीली ने की थी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आपको लेकिन इसमें भी बताते चलें कि इनसे भी पहले एक 1608 ईस्वी में नीदरलैंड के हैंस लीपरशी, आप लोग नाम सुने होंगे या फिर आप गूगल करिएगा, तो नीदरलैंड के हैंस लीपरशी ने इनका खोज किया था। लेकिन
हम लोग पढ़ते हैं कि टेलीस्कोप की खोज इटली के गैलीलियो ने अगस्त 1609 में किया था, 1609 में गैलीलियो ने किया था। जबकि हम लोग देखते हैं कि 1608 ईस्वी में इन्होंने हैंस लिपर्शी ने किया था। अब इस हैंस लिपर्शी ने जो खोज किया था, आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज देते चले कि वो एक जो चश्मा बनाने वाले होते हैं ना, उसका भी व्यवसाय करते थे। तो उनका बच्चा एक बार खेल रहा था, तो वो कई शीशे के टुकड़ों को एक के ऊपर एक रख करके ऐसे खेल रहा था, तो उसको अपने आँख पर लगाया, तो जो कुछ दूरी पर एक चर्च था वो उसको बहुत नज़दीक दिखने लगा। तो वो बात अपने फादर को बताता है कि शायद मेरा भ्रम हो। तो ये जो लिपर्शी थे वो बहुत खुश हुए इस खोज को, तो उन्होंने इस चीज़ को जोड़ करके एक बनाया जो 3 गुना कर सकता था। लेकिन गैलीली ने जो बनाया टेलीस्कोप, वो 200 गुना के लगभग चीज़ों को पास कर सकता था या बड़ा कर सकता था। तो इसलिए टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो गैलीली हम लोग मानते हैं। हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था, आपको बताते चले, हॉफमैन, राइटर ब्रदर्स, एडिसन या फिर स्टीवेंस। तो ये तो कॉमन है, आप लोग जानते होंगे, राइटर्स ब्रदर्स, जिन्हें राइटर्स बंधु भी जानते हैं, ने 17 दिसंबर 1903 में इसकी खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु बम का विकास किसने किया था, वॉर्नर वॉन ब्रॉन ने, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने या फिर एडवर्ड टेलर सैमुअल कोहेन। यहाँ पर ओपेनहाइमर लिखा, ओपेनहाइमर है इनका नाम सही। तो आपको बताते चले बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। परमाणु बम का जो खोज था ये अमेरिकी मूल के वैज्ञानिक रहते हैं जिनका पूरा नाम है जूलियस रॉबर्ट्स ओपेनहाइमर, इन्होंने किया था और उन्हीं की देखरेख में पहला एटम बम का परीक्षण किया गया था 16 जुलाई 1945 में किया गया था। और आपको बताते चलें कि जुलाई में ही इसकी खोज हुई थी, एटम बम की खोज या परीक्षण हुआ था। और आपको पता है अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी जो जापानीज सिटी हैं उस पर बम गिराया था। ये गिराया था 6 अगस्त को और एक गिराया था 9 अगस्त को, 6 अगस्त को हिरोशिमा में और नागासाकी में 9 अगस्त को। सोच लीजिए, जुलाई में खोज किया और अगस्त में ही अमेरिका ने ये कांड कर दिया। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया, ये क्वेश्चन है, वर्नर वॉन ब्रॉन ने, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने, एडवर्ड टेलर ने या सैमुअल क्रे ने। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो हाइड्रोजन बम जो है ये किए थे एडवर्ड टेलर। तो सी ऑप्शन सही होता है, एडवर्ड टेलर ने 1 नवंबर 1952 में किसका खोज किया, हाइड्रोजन बम का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेज़र का आविष्कार किसने किया था, तो लेज़र का आविष्कार किसने किया था, सर फ्रैंक विटर, फ्रैंक मोरिसन, टी एच मेमन या सैमुअल क्रे ने। तो आपको बताते चलें, टी एच मेमन सी ऑप्शन सही है, टी एच मेमन, इनका पूरा नाम था थियोडोर एच मेमन, ये अमेरिकी भौतिकी विज्ञानी हैं जिन्होंने 1960 में इसकी खोज की थी, इसकी लेज़र की। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोल और रुस्का ने या फिर रॉबर्ट कोच ने, लिवन हॉक ने या सीपी स्वानसन ने। तो इसका खोज किया था नॉल और रुस्का, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, मैक्स नॉल और अर्नेस्ट रुस्का, इनका पूरा नाम था मैक्स नॉल और अर्नेस्ट रुस्का। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया और इसकी मदद से करीब 5 करोड़ गुना तक जूम करके देखा जा सकता था। खोज कब हुई थी, तो ये हुई थी 1931 में, 5 करोड़ गुना तक किसी चीज़ को बढ़ा करके हम लोग देख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति हैं, बेबेज, हॉलरीथ, लेवनिस या फिर पास्कल। सही आंसर क्या होगा, कंप्यूटर की खोज किसने की थी, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर की खोज की थी चार्ल्स बेबेज ने, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही है, इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। अच्छा, कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी पूछता है, इसके बारे में आपको बताते चले, तो ये होता है कंप्यूटर, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन परपजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। और इसकी खोज कब हुई थी, तो ये हुई थी 1822 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेट इंजन का आविष्कारक कौन है, कार्ल वेंच हैं, फ्रैंक व्हिटले हैं, थॉमस सेबरी हैं या फिर माइकल फैराड हैं, फैराडे। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा, जेट इंजन, सर फ्रैंक व्हिटल, फ्रैंक व्हिटले लिखा हुआ है, फ्रैंक व्हिटल ने 1937 ईस्वी में की थी। जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटल ने 1937 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है, माइक्रोफोन का, मैक्सिमम इस क्वेश्चन में आप लोग गलत कर सकते हैं, एमिली बर्लिनर या फिर मार्टिन कूपर, ग्राहम बेल या संदीप हॉकिंग। सही आंसर क्या होगा, आप लोग ग्राहम बेल मत करिएगा, इसका है एमिली बर्लिनर। बर्लिनर क्यों है, ये माइक्रोफोन लिखा हुआ है, माइक्रोफोन मुझे फ़ोन के लिए ही बनाया गया था, फ़ोन में ही यूज़ करने के लिए बनाया गया था।
इन्होंने किया था एमिली बर्नर ने, जब यहाँ पे आएगा आपको टेलीफोन का आविष्कार किसे माना जाता है, तो टेलीफोन के लिए हम लोग लगाएंगे ग्राहम बेल को। टेलीफोन, ग्राहम बेल, माइक्रोफोन जो आजकल हम लोग मोबाइल में माइक जानते हैं, मोबाइल में भी रहता है या फिर किसी भी ऐसे मतलब इंस्ट्रूमेंट में लगा लेते हैं माइक, तो माइक या माइक्रोफोन, तो ये एमिली बर्लिनर ने किया था खोज, और ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का खोज। अगर जो पूछा जाए मोबाइल फ़ोन का खोज किसने किया था, तो मोबाइल फ़ोन मोटोरोला कंपनी में काम करने वाले मार्टिन कूपर, मार्टिन कूपर मोबाइल के हैं, ग्राहम बेल टेलीफोन के, एमिली बर्लिन माइक्रोफोन के हैं। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। नाभिकीय रिएक्टर के खोज करता है, नाभिकीय रिएक्टर के बारे में पूछ रहा है विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर, माइकल फेराडे या एनरिको फर्मी, तो इसके खोज करता है डी ऑप्शन यहाँ पे, एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी ही नाभिकीय रिएक्टर के खोज करता है। इन्होंने पहला रिएक्टर अपना कहाँ में बनाया था, शिकागो में बनाया था, शिकागो विश्वविद्यालय में। इसका नाम रखा था पाइल वन, जो कि दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर भी था, पाइल वन, और इसकी खोज करता है एनरिको फर्मी। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था, वायरलेस का आविष्कार किया था मार्कोनी, चार्ल्स कैटरिंग, जॉन ओ सुलिवान, जेनाम ग्रामे। अच्छा, जॉन ओ सुलिवान के बारे में भी आपको बताते चलें, जॉन ओ सुलिवान इन्होंने वाईफाई का खोज किया था, वाईफाई का खोज किया था, इसे बोलते हैं वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी बोलते हैं, वायरलेस फिडेलिटी यानी कि वाईफाई की खोज जॉन ओ सुलिवान ने किया था, लेकिन वायरलेस का जो आविष्कार है ये मार्कोनी ने किया था। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, ये किया था 1895 में मार्कोनी ने वायरलेस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे, वाटरमैन, पार्कर, चैल पार्कर या फिर शफर, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो फाउंटेन पेन के जो आविष्कारक थे यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, वाटरमैन। लेकिन आपको बताते चले कि एक एग्ज़ाम में पूछा था, वाटरमैन नहीं था, वहाँ पे नाम था पेट्राचे वोयनारू इनका नाम था, जो कि रोमेनियाई नागरिक थे, और इन्होंने फाउंटेन पेन के लिए सबसे पहले अपना पेटेंट करवाया था, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां रह गई थी, और उन सारी कमियों को दूर करके वाटरमैन ने जो सबसे अभी तक प्रचलित है फाउंटेन पेन, उसका यूज़ किया था। तो वाटरमैन फाउंटेन पेन के निर्माता माने जाते हैं, लेकिन अगर जो वाटरमैन ना दिया रहे और पेट्राचे वोयनारू दिया रहे तो वो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्हेम रॉन्टजेन ने आविष्कार किया था एक्सरे मशीन का, रेडियो का, विद्युत बल्ब का या विद्युत मोटर का, तो बी ऑप्शन सही है, इन्होंने एक्सरे मशीन का खोज किया था, विल्हेम रॉन्टजेन एक्सरे मशीन का। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। टाइपराइटर के आविष्कारक हैं, टाइपराइटर का भी जो निर्माण है ना वो कई चरणों में हुआ है और कई लोगों ने इसमें सुधार किया, लेकिन हम लोग जानते हैं कि 1868 में अमेरिकी एक नागरिक हैं क्रिस्टोफर लॉथम शोल्स, इन्होंने टाइपराइटर का पेटेंट करवाया था, और यह मशीन थी जिसमें क्वर्टी कीबोर्ड यूज़ किया गया था। तो अगर जो पूछा जाए क्वर्टी कीबोर्ड किसने यूज़ किया, कब यूज़ हुआ था, तो ये शोल्स ही थे, क्रिस्टोफर लॉथम शोल्स, इन्होंने क्वर्टी कीबोर्ड यूज़ किया था अपने टाइपराइटर में। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, मार्कोनी, डेवी, शोल्स, रोएनजेन, कौन है इसमें, ऑप्शन गेस करिए, तो सेफ्टी लैंप के आविष्कार हैं डेवी, बी ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों का सही होता है।